हेलो एवरी वन आई एम डॉक्टर पूजा एंड टुडे आई विल बी टेकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ बायो केमिस्ट्री दैट इज लाइपोजेनेसिस राइट लाइपोजेनेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइपोजेनेसिस मने फॉर्मेशन ऑफ जेनेसिस का मतलब ही क्या होता है फॉर्मेशन की लिपिड की अब दूसरा नाम वट इज द अदर नेम ऑफ लिपिड हम लिपिड को क्या बोलते हैं लिपिड्स आर ऑल्सो नोन एज ट्राइस्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल तो इसका मतलब हमारी बॉडी में सिंथेसिस हो रही है फैट की कैसे हो रही है जब तीन फैटी एसिड्स कंबाइन करेंगे ग्लिसरॉल के साथ और इसको हम बोलते भी क्या है इट इज नोन एज सिंपल सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स क्योंकि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ठीक है अब सबसे पहले कोई भी प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है हमें एक तो पता होना चाहिए वो कहा हो रही है That is, what इज द site. ठीक है पता लग गया कहां हो रही है उसके बाद हमें यह पता लगाना है कि कौन सी फ्रैक्शन में हो रही है इन विच फ्रैक्शन इट इज गोइंग और ये किस तरह का प्रोसेस है या तो ये एनाबॉलिक है या ये कैटाबॉलिक है क्योंकि जब हम बता सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक है उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो उसको या तो एक्टिवेट करेंगे या उसको इनहिबिट तो दिस इज ऑल वी हैव टू स्टडी जब भी अभी कोई प्रोसेस पढ़ते हैं ठीक है अब लाइपोजेनेसिस कहाँ होता है ये हमेशा याद रखना एक एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि सिंथेसिस हो रही है इसमें और कहां पे हो रहा है दिस अकर्स इन द साइटोसोल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लाइपोजेनेसिस इज दैट सिंस इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू साइटोसोल राइट अब इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या कैसे होता है अब देखो इसका बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट है इट इज बाय डी नोवो मतलब क्या होता है इसका कि हमारे पास एक बहुत छोटा सा स्पीशीज है जिसमें दो कार्बन एटम है वो क्या करेगा वो लार्ज चेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड कैसे बनाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिकर्सर प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस या फैट्स इज एसिटाइल को अब ये जो एसिटाइल को इसके पास कार्बन एटम्स तो सिर्फ दो हैं। ये कैसे दो कार्बन एटम से सिक्सटीन कार्बन एटम वाली स्पीशीज बनाता है से पाल्मेटिक एसिड दिस प्रोसेस इज डी नोवो मतलब हमारी बॉडी में ही सिंथेसिस होगा एक स्पीशीज का जिसपे कार्बन एटम ज्यादा है उस स्पीशीज से जिसपे कार्बन एटम कम है और देर आर टू प्रोसेसेस इन आवर बॉडी विच आर सिंथेसाइज्ड बाय डी नो एक हमारा है फैट्स और दूसरा हमारा होता है प्यूरिन सिंथेसिस सो प्यूरिन सिंथेसिस एंड डीनोवो पाथवे ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस आर नोवो ठीक है अब इसको हम लाइन इन स्पाइरल भी बोलते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट था इन उसने डिस्कवर किया था राइट right? कहां, कहां होता है इन द लिवर किडनीज ब्रेन एक्स्ट्रा ग्लानी ऑलवेज रिमेम्बर दिस हमेशा याद रखना कहीं पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब जहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है वहीं पे हम माइटोकॉन्ड्रिया लेते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को एक तरह से पावर हाउसेज ऑफ सेल भी बोलते हैं पावर हाउसेस द सेल और द सीट ऑफ रेस्पिरेशन तो ये जो लाइपोजेनेसिस प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है ठीक है अब देखो इसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए कौन कौन से को एंजाइम्स चाहिए कौन कौन से कोफैक्टर्स चाहिए तभी तो एक हमारी असेंबली बनेगी पूरी जिससे हमारा फैट बनेगा तो को फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट को फैक्टर इज एनएडीपीएच, एटीपी, ए टीपी राइट एंड मैग्नीज। और सबसे इंपॉर्टेंट को एंजाइम है इसमें बायोटिन बायोटिन इज द को एनजाइम ऑफ दिस और वट आर दोर्सिस अब देखो हमेशा याद रखना प्रिकर्सर ऑफ फैट इज एसिटाइल को एंजाइम ऑलवेज़ रिमेंबर दिस और एसिटाइल को एंजाइम ए कहाँ से बनता है एसिटाइल को एंजाइम ए हमारा बनता है एरोबिक लाइकोलिस से सोर्स क्या है और ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से जैसे आई जस्ट शो यू दिस पिक्चर जब ग्लाइकोलिस होती है तो हमारे पास पायरूविक एसिड बनता है तो ग्लाइकोलिस क्या है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज राइट टू फॉर्म पायरूविक एसिड अब जब पायरूविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम में बनाना है तो वो बिल्कुल एरोबिक है मतलब ये होती ही माइटोकॉन्ड्रिया में है तो पायरूविक एसिड साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में आता है एक कार्बन डाइऑक्साइड देता है और यह एसिटाइल को ए बना लेता है। ठीक है यह तो एक सोर्स हुआ हमारे पास एसिटाइल कोए का दूसरा सोर्स एसिटाइल कोए का क्या है जब ऑक्सीडेशन हो रही है फैट की क्योंकि हमेशा याद रखना जिस चीज से कोई चीज बनती है वो ब्रेक भी उसी में होती है। तो फैट्स हमारे एसिटाइल को से बनते हैं तो एसिटाइल को में ही ब्रेक होंगे वो बात अलग है कि वो इवन चेन फैटी एसिड है या ऑड चेन फैटी एसिड है तो हमारे पास एसिटाइल को में आ गया राइट right. अब देखो एसिटाइल को एनजाइम ए कहाँ पे प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में है और फैटी एसिड की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है वो हो रही है साइटोसोल में ठीक है तो सबसे पहले ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है इसको क्या करना पड़ेगा इसको ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोए कहां से फ्रॉम दी माइटोकॉन्ड्रिया टू दी साइटोसोल ये सबसे पहला स्टेप हो जाएगा अंडरस्टूड है क्योंकि एसिटाइल को माइटोकॉन्ड्रिया में, में है उसको साइटोसोल में पहुंचाएंगे तभी जाकर फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी अब देखो सबसे बड़ी ट्रेजेडी एसिटाइल कोए के साथ क्या है कि इट इज इम्परमीएबल टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इम्परमीएबल टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो अब एसिटाइल को एंजाइम में कैसे पहुंचाया जाए ठीक है तो इसके लिए क्या किया जाता है इसके लिए वॉट हैपन्स इज ये हमारा बना एसिटाइल कोए जो आ रहा है पायरोविक एसिड से राइट और यह है हमारे पास दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज साइटोसोल ठीक है अब साथ में क्या हो रहा है ऑक्जेलो एसिटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन करके बनाता है सिट्रेट सिंपल हम टी सी ए साइकिल की बात कर रहे हैं क्योंकि टी सी ए साइकिल कहां पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है अब सिंस एसिटाइल को एंजाइम ए इज इम टू माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन इट इज कन्वर्टेड इन टू सिट्रेट और ये जो सिट्रेट है ये परमीएबल है माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन के लिए दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन ये क्या करेगा सिट्रेट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू साइटोप्लाज्म। सिट्रेट अब देखो ये सिट्रेट बना किससे है ये बना है ऑक्जेलो एसिड और एसिटाइल कोए से राइट ये जब चला गया साइटोसोल में तो जिनसे बना है उसी में ये ब्रेक हो जाएगा उन्हीं में स्प्लिट हो जाएगा तो सिट्रेट स्प्लिट्स अप इनटू ऑगजेलो एसीटेट जिससे बना है और इनटू ए कोएंजाइम ए का यहां पे एक डिफरेंट पूल होता है जो बना देता है अब हो क्या रहा है स्प्रिटिंग हो रही है ऑग्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में ए जब कंबाइन करते हैं तो ये सिट्रेट बनाते हैं इसका मतलब क्या हुआ और वैसे भी चार इसमें है दो इसमें कार्बन एटम्स हैं तो ये सिक्स कार्बन एटम्स बना देते हैं टू कार्बन एटम्स तो इसका मतलब सिट्रिक एसिड की स्प्लिटिंग होगी इसमें जब स्प्लिटिंग होगी तो एसिटाइल को है और ये बना देगा ऑगजेलो एसिटिक एसिड सो एंजाइम जो होता है इसमें एंजाइम होता है ए सिट्रेट लाइस मतलब इसको स्प्लिटिंग के लिए एनर्जी दी एटीपी ने और ऐसे एनर्जी दी कि हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया एसिटाइल को एनजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सो ये है सबसे पहला स्टेप लाइपोजेनेसिस का जिसे सिंपल ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल को राइट वाया सिटरेट शटल सिट्रेट शटल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें राइट सिट्रेट शटल शटल इज वॉट जो दो कोर्ट्स में इट्स लाइक अ गेम ऑफ बैडमिंटन की जिसमें दोनों कोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें क्या होगा कि पहला कोर्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा कोर्ट है हमारा साइटोसोल का तो सिट्रिक एसिड सिंस इट इज परमीएबल टू माइटोकॉन्ड्रियल मेमब्रेन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड आउट फॉर्मिंग एसिटाइल को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी कि जो हमें चाहिए एसिटाइल को साइटोसोल में जिससे फैट की सिंथेसिस हो सके वी हैव कॉट इट ठीक है ये हो गया ट्रांसपोर्ट किसका एसीटाइल कोजाइमे का कहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ को साइटोसोल को और यही चीज हमारे इसमें लिखी भी हुई है कि क्या होगा इफ यू सी प्रिकर्सर इज एसिटाइल को विच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल राइट ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल को ये है सिंपल सा इसका जो मैंने एक सिंप्लीफाइड तरीके से बनाया आप देख सकते हो यहां पे है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जहां पे हमारा क्या है एसिटाइल को इसके साथ कंबाइन करके बना रहा है सिट्रेट और ये पूरा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये आ जाता है बाहर ठीक है और यहां पे हमारा एंजाइम हो जाता है ए सिट्रेट लाइस जो स्प्लिट करता है और वी गेट एसिटाइल को ए दिस इज दस्ट स्टेप अब जब एसिटाइल को में एंटर कर गया साइटोसोल में अब ये बनाएगा फैट ठीक है और एसिटाइल को में, remember, दो कार्बन आटम होते हैं. अब इसके बाद हमारे पास आएगा सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट कार्बोक्सीलेशन ऑफ एसिटाइल को मतलब अब हमारे फैटी एसिड की सिंथेसिस स्टार्ट होगी ना तो सबसे पहले आएगा इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेश और कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए अब यहां देखो यहां क्या चीज है एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास कितने कार्बन एटम्स हैं दो कार्बन एटम्स हैं। एसिटाइल को टू कार्बन एटम्स दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन विच एसिटाइल को एंजाइम ए विल अंडर गो कार्बोक्सिलेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट होती है तो इसमें जो को एंजाइम होता है वो होता है बायोटिन कार्बोक्सीलेशन मने इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एसिटाइल को एंजाइम ए विल बी कन्वर्टेड इंटू मेलोनाइल को ठीक ए तो को एंजाइम हमारा इसमें क्या है को एंजाइम है बायोटिन और एंजाइम इसमें क्या है एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज. और वी गेट थ्री कार्बन कंपाउंड जो है मेलोनाइल को अब जब हमारे पास मेलोनाइल को ए आ गया हमारे पास आ गया एसिटाइल एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स जिसको हम फास भी बोलते हैं ये है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स राइट मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जो कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं उनको बहुत सारे कोफैक्टर्स बहुत सारे को एंजाइम्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए तो सबसे पहले देखो क्या हुआ एक बार इज जस्ट जस हम कोई क्रिकेप लेंगे सबसे पहले एसिटाइल को एंजाइम ए इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल जैसे ही वो साइटोसोल में आया उसमें कार्बोक्सीशन हो गई हमारे पास आ गया मेलोनाइल कोए अब फैटी एसिड सिंथेस इसका मतलब ही क्या हुआ कि सिंथेसिस करेगा ये किसकी फैटी एसिड की ठीक है अब बिफोर इट अंडरगोज द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, दिस एंजाइम या दिस रिएक्शन बिकम्स अ रेगुलेटरी एंजाइम कैसे क्योंकि उसको हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम ये कैसे है को एंजाइम इज बायोटिन इन दिस हमेशा याद रखना जहां जहां कार्बोक्सीलेशन जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होगी वहां पे बायोटिन और बी सेवन आ जाएगा और इसका फंक्शन सिर्फ इतना है ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है दैट्स इट इट इज अ कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब देखो ये है रिएक्शन एंजाइम इज दिस एंड को एंजाइम इज दिस बायोटेन राइट अब इफ यू सी द रिएक्शन ऑल्सो सिंपल यू कैन सी ना एंजाइम बायोटेन ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किया इसने हमारे पास मेलोनाइल कोए था एसीडाइल कोए था एसिटाइल कोए में कितने कार्बन आइटम्स है एक और दो वन और टू ठीक है किसमें कितने हो गए वन टू एंड थ्री ठीक है सो सिंस बायोटिन इज ट्रांसपोर्टिंग इट तो इसको हम बोल देते हैं कार्बोक्सी बायोटिन इंटरमीडिएट बन जाता है रिक्वायर्स ए टीपी द कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप इज ट्रांसफर टू एसिटाइल कोए टू फॉर्म मेलोनाइल कोए एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द रेगुलेटरी एंजाइम राइट, right. सो so, ये है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन लाइपोजेनेसिस सो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लाइपोजेनेसिस का क्यों है इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रेट लिमिटिंग है अब ये हम बताएंगे रेट लिमिटिंग क्यों है ठीक है वंथ दी सिंथेसिस ऑफ लाइपोजेनेसिस या फैट्स इज कंप्लीट अब देखो अब इसके बाद क्या होता है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स आ जाता है एक्शन में ये है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या हुआ ये अकेले कभी भी काम नहीं करेगा इसको बहुत सारे हेल्पर्स चाहिए होते हैं और यू कैन सी द हेल्पर्स ये एंजाइम ये एंजाइम ये एंजाइम ये एंजाएं, ये और ये एक दो तीन चार पाँच छ तो छ एंजाइम और इसका स्ट्रक्चर भी पता है कैसा होता है इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस अ फ्लाइंग सॉसर लाइक दिस एक दो तीन चार टू थ्री फोर फाइव ये इसके एंजाइम्स हैं राइट और दो इसकी एक्टिव साइट्स होती हैं। एक ये और एक ये एक इसकी एक्टिव साइट होती है जिसको हम बोलते हैं पेन एस एच और दूसरी इसकी एक्टिव साइट होती है सिस्टीन एस एच अब देखो पैन एसेच का मतलब क्या हुआ पेंटोथीनिक एसिड थीनिक एसिड और एसएच इज सल्फाइड्रल ग्रुप सिस्टीन एसेच मने दिस इज फॉर सिस्टीन एस एच इज अगेन द सल्फाइड्रल ग्रुप अब नाउ सी वॉट हैपन इज हमारे पास क्या चीज बन के आई है हमारे पास बन के आया एसिटाइल कोए और मेलोनाइल को ये दोनों चीजें बनकर आई अब होगा इसमें क्या कि ये जो सिस्टीन एसएच है ये एक्सेप्ट करेगा एसीटाइल कोए ठीक है और ये जो पैन एसएच है ये एक्सेप्ट करेगा मेलोनाइल कोए राइट अब ये जो फैटी एसिड सिंथेस है ये अपना काम स्टार्ट कर देगा अब ये कैसे अपना काम स्टार्ट करेगा देखो यही चीज इंटरेस्टिंग है सबसे पहला स्टेप क्या होगा एसिटाइल को एंजाइम ए मेलोनाइल कोए पे आएगा फॉलोड बाय डी कार्बोक्सीलेशन राइट आई शो यू दिस देखो डबोक्सीन के बाद देखो होता क्या है ये सारे एंजाइम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं मतलब क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जब ये एक साइकिल करके निकलेगा तो जो हमारे पास फैटी एसिड बनेगा उसमें कार्बन एटम विल हैव मोर कार्बन मोर कार्बन फिर क्या हो जाएगा फिर से इस पे आ जाएगा सब कुछ उसके बाद क्या हो जाएगा पैन एसे एक्सेप्ट करेगा मेलोनाइल को जो बन रहा है फिर से सारी चीज ट्रांसफर होती रहेगी ये कब तक होती रहेगी जब तक हमारे पास डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ फैटी एसिड आर नॉट प्रोड्यूस्ड राइट आई शो यू सी इट विल बी लाइक दिस दिस इज पैन एस एच एंड दिस इज सिस्टीन एस एच राइट हियर एसीटाइल कोए इज देयर एंड हियर मेलोनाइल कोए इज देयर एसीटाइल को यहां पर गया कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई So what we get is we get a acyl coenzyme A minus carbon dioxide. So हमारे पास क्या है carbon dioxide निकल के एक acyl coenzyme A बन गया अब ये क्या करेगा It is present like this. ये पूरी छ के छ activities करके क्या करेगा यहां पर आ जाएगा राइट right. इसका मतलब जब ये पूरी एक्टिविटीज कर चुका तो इसमें कार्बन एटम बढ़ गया अब जब इसमें कार्बन एटम बढ़ गया तो हमारे पास क्या है हमारे पास एसाइल को एंजाइमे यहां पर है फिर क्या होगा फिर पैन एस क्या करेगा फिर से मेलोनाइल कोए एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि मेलोनाइल कोए कहां से बन रहा है एसिटाइल को से बढ़ रहा है फिर क्या हो जाएगा फिर से ये यूनिट ट्रांसफर होगी और ये यहां पे ट्रांसफर होगी फिर से वो घूमेगा मतलब पैन एस एच ऑलवेज रिमेंबर हमेशा एक्सेप्ट करेगा फ्रेश मेलोनाइल को है। और एस एच पे एसाइल को ए होगा ट्रांसफर होगा फिर से जब तक जब तक होता रहेगा जब तक हमारे पास जैसे से, से हमें अगर पालमेटिक एसिड बनाना है तो हमारे पास 16 कार्बन एटम आ जाएंगे और बना क्या एक मॉलिक्यूल एसिटाइल को का आया जिसने सेवन साइकल्स करे तो हमारे पास पालमेटिक एसिड आया ये है लाइपोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ लिपिड फॉर्मेशन ऑफ फैट फ्रॉम एसिटाइल को एंजाइम ए अब अगर हम इसकी रेगुलेशन ही देखें लेट्स सी, रेगुलेशन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ही इसमें एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिटाइल को ए फॉर्म्स मेलोनाइल कोए ठीक है और दिस मेलोनाइल कोए विल फॉर्म पालमेटिक एसिड अब देखो इसमें जो रेगुलेशन है दो तरह की है एक तो ये तो रेट लिमिटिंग एंजाइम हो ही गया शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एलोस्टेरिक और कोवेलेंट और लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस हर जगह ऐसा ही होता है जब भी कभी हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन बने वो कुछ टाइम तक होता है अब इसमें देखो इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड अगर क्योंकि हमें पालमेटिक एसिड ही बनाना है तो जब पालमेटिक एसिड का कंसनट्रेशन बढ़ गया तो ये क्या करेगा ये अपनी सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और ये अपने सिंथेसिस को कैसे इनिबिट करेगा बाय ब्लॉकिंग द रेट लिमिटिंग एंजाइम विच इज एसिटाइल कोए कोबोक्सी ठीक है अब ये कैसे करेगा ये है एलोस्टेरिक रेगुलेशन जिसको हम बोलते हैं फीड बैक इनिबिशन राइट दूसरा है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सीस है एसिटाइल को ए एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स एक्टिव एंड इनएक्टिव अब देखो सिंपल कंसेप्ट है वो एक्टिव कब होगा जब हमें फैट की सिंथेसिस होनी होगी इनएक्टिव कब होगा जब फैट की सिंथेसिस नहीं होनी होगी ठीक है और ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन इंसुलिन एक्सेलरेट्स या इंसुलिन प्रमोट्स लाइपोजेनेसिस एंड हाउ इट प्रमोट्स लाइपोजेनेसिस बाय एक्टिवेटिंग एसिटाइल कोएंजाइम को कार्बोक्सिलेस क्योंकि जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम को कार्बोक्सीस बनेगा एक्ट करेगा तभी हमारा मेलोनाइल को यह बनेगा और जब हमारा मेलोनाइल को -e बनेगा तभी हमारा पामिटिक एसिड बनेगा सो so, हम ये कह सकते हैं कि एसीटाइल में कार्बोक्सीलेस एक्सेलरेट होता है इंसुलिन से और वो एक्टिव रहता है और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो है डी और इसकी इनएक्टिव फॉर्म जो फैट को सिंथेसिस को रोक रही है ये है फॉस्फोराइलेटेड इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन अब रीजन आपको बताऊंगी मैं कि क्या है इसमें रिएक्शन क्या हो रही है क्योंकि हमेशा याद रखो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री विदाउट रेगुलेशन इज इनकम्लीट फिर लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इट इज ऑल इंटर रिलेटेड और कैसे इंटर रिलेटेड है ये वही चीज है कि फीडबैक इन है अब देखो जैसे ये है एलोस्टेरिक एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल ए बाय सिट्रेट, कॉमन एग्जाम्पल सिट्रेट क्या करता है कन्वर्ट करता है एसिटाइल ए कोस को इनएक्टिव से एक्टिव में क्योंकि देखो ये जो सिट्रेट है ये कहां से आ रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में था जो साइटोसोल में एंटर हुआ जिससे एसिटाइल को एंजाइम ए और हमारा क्या बना ऑक्लो एसिटेट सिट्रेट लाया तभी तो एसिटाइल को एंजाइम ए आया और तभी एसिटाइल को ए ने क्या बनाया मेलोनाइल को ए बनाया ठीक है अब देखो अगर इसको हमें दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना है तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू अगेन हियर जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर सी सिट्रेट था माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया से ये आया साइटोसोल में जहां पे एक्चुअली लाइपोजेनेसिस हो रही है तो सिट्रेट ने क्या किया इसने एसिटाइल को एंजाइम को डिग्रेड कर दिया यह बना दिया अब जब ये एसिटाइल को एंजाइम ए बन गया तो इसने क्या किया इसमें हुई कार्बोक्सिलेशन और इसने बना दिया मेलोनाइल को एंजाइम अब ये जो एंजाइम है क्योंकि रेगुलेशन हमेशा एंजाइम के उस पर होती है तो एंजाइम है हमारा एसिटाइल को ए इसकी दो फॉर्म्स हैं। एक ये फॉर्म है एक इसकी ये फॉर्म है अब देखो अभी इसमें मैंने बाकी चीज नहीं लिखी है वो भी मैं लिखूंगी इसमें अगर ये फॉर्म इसकी एक्टिव है तो इसका स्ट्रक्चर है ये और अगर ये फॉर्म इसकी इनएक्टिव है तो इसका स्ट्रक्चर है ये ठीक है दैट मीन्स आई कैन से दैट एक्टिव फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सीस इज डीफॉस्फोराइलेटेड। ऑन द अदर हैंड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सीस इज फॉस्फो राइलेटेड ठीक है दैट मीन्स इन दोनों में इंटरचेंज है मतलब डीफॉस्फोराइलेटेड से वो फॉस्फोराइलेट हो रहा है और फॉस्फोराइलेट से वो डीफॉस्फोराइलेट हो रहा है ठीक है अब देखो इंसुलिन क्या करता है दिस इज ऑल रेगुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन्स आल्सो इंसुलिन हमेशा प्रमोट करता है लाइपोजेनेसिस ऑलवेज रिमेंबर दैट क्योंकि ये एनाबॉलिक हार्मोन है तो इंसुलिन क्या करेगा यहां पे एक्ट करेगा मतलब वो इंसुलिन वो इनएक्टिव फॉर्म जो थी एसिटाइल कोई में कार्बोक्सिलेज की उसको एक्टिव कर देगा ठीक है इसीलिए डिफॉस्फोराइडेटेड है अब दूसरी तरफ देखो इसका मतलब क्या हुआ हमारा मेलोनाइल कोए बन गया चलता जा रहा है चलता जा रहा है मेलोनाइल कोए बना पालमिटिक एसिड भी बन गया अब जब पालमेटिक एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी वो किसको इंस्ट्रक्शन देगा अगर पालमेटिक एसिड की कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस ये एंजाइम को इंस्ट्रक्शंस देगा कि वो एंजाइम जो एक्टिव है उसको आप इनएक्टिव कर दो तो पाल्मेटिक एसिड इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ पालमेटिक एसिड विल कन्वर्टेड इंटू इन एक्टिव फॉर्म पालमेटिक एसिड इसका मतलब क्या हुआ इसने कैसे उसको रेगुलेट किया उसने इंस्ट्रक्शन दी कि उसकी सिंथेसिस की जरूरत नहीं है अभी तो उसने एसिटाइल कोबोक्सी को इंस्ट्रक्शन को दिया कि नो मोर मेलोनाइल कोए हैज टू बी सिंथेसाइज क्योंकि अगर मेलोनाइल कोए बनेगा तो पालमेटिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा और ये सब चीजें जाकर क्या करेंगी सिट्रेट को इंस्ट्रक्शंस देंगी कि ट्रांसपोर्ट को कम कर दिया जाए क्यों कम कर दिया जाए क्योंकि हम रूट्स पे जाते हैं हमेशा अगर हमने पहला ही स्टेप खत्म कर दिया तो एक, एक एक करके सब कुछ कम होता जाएगा सो फाइनली इन द एंड यू कैन से दैट सिट्रेट विल बी इनहिबिटेड या ट्रांसपोर्ट ऑफ सिट्रिक एसिड विल बी इनहिबिटेड दिस इज वॉट इज अ रेगुलेशन अब वही सेम चीज हम इसमें पढ़ते हैं देखो इट विल बी मोर इजियर सी सिट्रेट प्रमोट्स कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल को एनजाइम ए कार्बोक्सीस फ्रॉम अ इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म राइट लॉन्ग चेन एसाइल को ए एसिटाइल ए कार्बोक्सिलेज। एसाइल कोए क्या है हमारा पालमेटिक एसिड है देखो फर्क क्या है दोनों में एक हमारे पास है एसिटाइल को एक हमारे पास है एसाइल को मतलब ही यह हुआ कि जिसमें दो कार्बन एटम है ही हैं। ठीक है और एसाइल का मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है अगर हम एसाइल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो अगर हम एसाइल को एनजाइम ए को बोलते दे पालमिटॉइल को है, तो उसमें 16 कार्बन एटम्स हो गए तो एसाइल कोए इज अ जनरलाइज्ड टर्म एसिटाइल कोए जिसमें दो कार्बन आइटम है और पालमिटाइल कोए जिसमें सिक्सटीन कार्बन आइटम्स है राइट right? अब देखो ये जो लॉन्ग चेन पालमिटाइल कोए है ये इनएक्टिव कैसे करेगा ठीक है बाय फेवरिंग फॉस्फोराइलेशन ऑफ एसिटाइल ए कार्बोक्सेलेस मने फॉस्फोराइलेट अगर हो गया ये जैसे मैंने आपको रिएक्शन स्ट्रक्चर बताया ना अगर ये फॉस्फोराइलेट हो गया तो ये क्या हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि जब ये एक्टिव था तो ये डिफॉस्फोराइलेटेड था ठीक है ये क्या है दिस इज एक्चुअली कोवेलेंट मॉडिफिकेशन और जब ये इनएक्टिव होगा ये इनहिबिट कर देगा ट्राई कार्बोक्सिलिक ट्रांसपोर्टर मतलब ये सिट्रेट आयंस की ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करेगा तो एक कैस्केड चला जा रहा है हमारा ये इंक्रीज हुआ इसने इसको इंस्ट्रक्शंस दी उसने उसको इंस्ट्रक्शंस दी दैट नो मोर सिट्रिक एसिड इज रिक्वायर्ड बाय द साइटोसोल और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेस है ये हमारा एक्टिव है किसमें एक्टिव है डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव है और फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में इनएक्टिव है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा ध्यान रखना इंसुलिन जिन जिन एंजाइम्स को एक्टिव करता है वो वो एंजाइम्स एक्टिव ही डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होते हैं ये एक एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन सिंथेस दूसरा एग्जाम्पल है एक और हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे एच एम जी को राइट सो दिस इज सिंपल एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एसिटाइल को राइट अब देखो इसको भी हम एक और बार स्लाइड आ गई तो आई जस्ट रिपीट दिस इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ पालमेटिक एसिड विल कन्वर्ट एक्टिव टू इनएक्टिव दैट मीन्स मेलोनाइल को स्टॉप्ड स्टाइल को स्टॉप्ड एंड इनका जो ट्रांसपोर्टर था दैट इज स्टॉप राइट फिर उसके बाद दूसरी चीज आ गई दूसरी स्टोरी आ गई दूसरी क्या है कि ग्लूकागोन और एपिनेफ्रेन ये क्या करते हैं ये इनएक्टिव करते हैं एसिटाइल को एनजाइम ए कार्बोक्सीलेस को बाय फॉस्फोराइलेटिंग द एंजाइम अब इसके पीछे रीजन क्या है रीजन इसके पीछे सिर्फ यही है, है ये जो ग्लूकागोन है ये कैटाबॉलिक हार्मोन है ठीक है कैटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है और लाइपोजेनेसिस मैंने क्या बताया लाइपोजेनेसिस हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस है तो ग्लूकागोन तो इसको वैसे ही अपोज करेगा यानी कि ग्लूकागोन लाइपोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा अब ये इनहिबिट कैसे करेगा हर जगह तो एक्ट नहीं करेगा ना ये सीधे एसिटाइल कोस पे जाएगा हमेशा याद रखना एनजाइम्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि कौन सी चीज कब होनी चाहिए कब नहीं होनी चाहिए और ए कोस जो एक्टिव था वो इनएक्टिव हो जाएगा राइट right? और जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है हमेशा याद रखना ये जो ग्लूकागॉन है ये रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू साइक्लिक एम और साइक्लिक ए का क्या फंक्शन होता है ये प्रोटीन काइनेस को एक्टिव करता है ठीक है इसका मतलब काइनेस एक्टिव मने फॉस्फेट आएगी यहां पे सो एसिटाइल को इनएक्टिव फॉर्म विल बी विद फॉस्फेट अब एक फॉस्फेट के साथ है तो दूसरी विदाउट फॉस्फेट होगी अंडरस्टूड सी बात है दोनों चीजें एक तरफ तो नहीं लग सकती ना So this is mode of action of acetyl coenzyme A carboxylase with a response to insulin and glucagon, or that is what is written here. That glucagon or epinephrine inactivate acetyl coenzyme A carboxylase by activating cyclic AMP. बाई एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेस ऑन द अदर हैंड इंसुलिन एक्टिवेट्स एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सीस बाय डी फॉस्फोराइलेटिंग द एंजाइम बाय डिग्रेडिंग साइक्लिक ए एम पी टू फाइव प्राइम ए एम पी एंड बायिंग प्रोटीन काइनेस ये एक्टिव बनाता है और ये बनाता है इनएक्टिव ठीक है अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो कौन कौन से फैक्टर्स हमारे एक्टिव करते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिल को सिट्रेट जैसे मैंने अभी बताया इंसुलिन और करते क्या है डिफॉस्फोराशन दूसरी तरफ इनएक्टिवेशन एसिटाइल को या एसाइल को ही या इसको हम पाल्मेटिक एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में मेनली एस्टर्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ़ दाल्मेटिक एसिड हार्मोन्स आर ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन एंड फॉस्फोराइलेशन सो दिस इज वॉट इज सिंपल रेगुलेशन राइट और अब देखो और ये ऐसे रिएक्शन होती है अब देखो अब हमारे पास फैटी एसिड बन गया राइट हम ये कह सकते हैं कि एसिटाइल को एंजाइम ए जिसके पास दो कार्बन एटम्स थे इसने पालमेटिक एसिड बना दिया जिसपे 16 कार्बन एटम्स हैं अब क्या है हमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी बनाने हैं हमारी बॉडी में तो देर शुड बी एन इलाशन ऑफ द फैटी एसिड चेन अब सिंथेसिस तो इसकी साइटोसोल में थी और इसकी इलोंगेशन के लिए ये जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइट सो इट अकर्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सम एक्सटेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो एंजाइम इसमें सिंपल है फैटी एसिड इलोंगेस इलोंगेस मने जो में हेल्प करता है इलांगेटेड एंड अन्य ट्वेंटी थर्टी टू एंड सो ऑन सो मेलोनाइल कोए डोनेट्स टू कार्बन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनएडीपीएच एंड वी गेट चेन इलोंगेशन और यू कैन से वी गेट अ फैटी एसिड विच हैव मोर कार्बन एटम्स ये हो गया इलोंगेशन फिर उसके बाद अभी तो हमने बनाए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो हमारी बॉडी में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी बनेंगे ऑब्वियसली वो बात अलग है कि असेंशियल फैटी एसिड नहीं बनते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स क्यों नहीं बनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा एंजाइम सिस्टम नहीं है जो आफ्टर नाइन नाइन पोजीशन डबल बॉन्ड डाल सके देर इज नो एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट विच कैन इनकॉर्पोरेट डबल बॉन्ड आफ्टर नाइन्थ कार्बन एटम राइट सो इलोंगेशन वहां पे जाकर रुक जाती है इसीलिए असेंशियल फैटी एसिड्स आर हैव टू बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम आउटसाइड डाइट अब देखो अनसेटेड है तो इसमें एंजाइम हमारा क्या हो जाएगा एंजाइम विल बी फैटी एसाइल को एनजाइम ए डिसचुरेस एंड इट अकर्स इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है मोस्ट कॉमन एंजाइम इज अ मोनो एंड इट हेल्प्स इन दी इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड राइट right. और ह्यूमन बींग्स के फैटी एसिड चेन डेल्टा नाइन सो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट इंट्रोड्यूस एडिशनल डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड चेन बियड डेल्टा नाइन इसीलिए जब तक यहां पर है तब तक सिंथेसिस होगी अनसेटेड फैटी एसिड्स की इसके अलावा नहीं होगी राइट right? सो लाइनोलेक एसिड एंड लाइनोलेनिक एसिड बिकम असेंशियल फैटी एसिड क्योंकि इसमें दोनों में ही डबल बॉन्ड नाइन्थ के बाद है ठीक है so, सो ये क्या है दिस इज लाइपोजेनेसिस अकरिंग इन द साइटोसोल राइट अब लेट्स क्विकली रिवाइज वॉट ऑल वी हैव स्टडीड इन दिस सो दैट इट विल बी वेरी इजियर बिकॉज लाइपोजेनेसिस इज कंसिडर्ड टू बी अफ टॉपिक लाइपोजेनेसिस होता कहां है साइटोसोल में होता है ठीक है बाकी इसकी इलोंगेशन वगैरह आगे जाकर एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में हो जाती है सबसे पहला स्टेप इसमें आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सिट्रेट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल सो दैट हमें अपना प्रिकर्सर मिल जाए जो है एसिटाइल को एंजाइम ए प्रिकर्सर मिल गया फिर सेकेंड स्टेप होता है कार्बोक्सीलेशन कार्बोक्सीलेशन ऑफ एसीटाइल को एनजाइम ए राइट एंजाइम हियर इज कार्बोक्सीस रिक्वायर्स बायोटेन फॉर कार्बोक्सीशन एंड ए टी पी इज रिक्वायर्ड ठीक है इन तीनों के इफेक्ट से हमारे पास बन जाता है मेलोनाइल कोए और थर्ड इज फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स इट हैज सिक्स एक्टिविटीज ऑफ द एंजाइम्स और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है सिस्टीन एस एच और पेंटोथीनीन एस एच यहां पर आता है हमारा एसिटाइल को ए यहां पर आता है मेलोनाइल को ए ठीक है एसिटाइल को ए जैसे ही मेलोनाइल कोए पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और फिर यह यहां पे ट्रांसफर हो गया और फिर ये जो छह एंजाइम की एक्टिविटीज होती हैं, ये पूरा यहां पे आकर रुक जाता है फिर पेन एसेज फिर से मेलोनाइल को देता है मेलोनाइल को कहां से आ रहा है एसिटाइल को एंजाइम ए से आ रहा है तो वी कैन से कि पाल्मेटिक एसिड विच इज द मेजर एसिड मेजर फैटी एसिड प्रोड्यूस इन आर बॉडी ये बनता है हमारा सेवन साइकल्स ऑफ लाइपोजेनेसिस पाल्मिटिक एसिड बनता है सेवन साइकल्स ऑफ लाइपोजेनेसिस से और अगर हम इसकी रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रोल ऑफ इंसुलिन इंसुलिन प्रमोट करता है लाइपोजेनेसिस कैसे बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज को एक्टिव रखता है इन डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म राइलेटेड फॉर्म ग्लूकागन ऑन द अदर हैंड ये एक्टिव करता है या यू कैन से चलो एक्टिव करता है लाइपोलाइसिस को ब्रेकडाउन को जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इनहिबिट करता है लाइपोजेनेसिस को तो मतलब जब हमारा इंसुलिन एक्ट कर रहा है तो ये एसिटाइल को एक्टिव है और जब ग्लूकागोन एड कर रहा है तो ये एसिटाइल को एंजाइम ए इनएक्टिव हो जाएगा और ये इसकी होगी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म राइट ग्लूकागोन अलोंग विद एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपीनेफरिन सो दिस इज ऑल अबाउट लाइपोजेनेसिस आई होप लाइपोजेनेसिस आपको अब आप क्लियर हो गया होगा सो थैंक यू सो मच Have a great day.